Welcome to the channel Easy Track for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And that particular tutorial is related with the mathematical point of view and the numerical method algorithm, Gauss elimination method. So those students who don't see the video of the numerical part of the Gauss elimination, the particular part video is available under the link available into this particular video. So you will fetch that particular link and firstly you will see the Gauss elimination method with the numerical portion. And after that you will enter into that particular portion, then definitely you will surely cover that steps very well. So the first part is the when you enter into the any algorithm, start with the begin step or the start step and values the read and matlab total values हमारे पास कितनी है वो read करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब इसको computer science में convert करना है किसी language में तो सबसे पहले variable तो declare करने ही पड़ेंगे ना. सो पहले हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, क्योंकि देखो एलिमिनेशन में क्या होता है अननोन वैल्यूज भी होती हैं बड़ी बार, और एलिमिनेट जब आपने करना होता है तो उस टाइम के ऊपर दो तरह के मेथड उसमें चलेंगे. वन इज द ट्रायंगुलराइजेशन, ट्रायंगुलराइजेशन में बी स्टेप्स चलाने पड़ेंगे हमें. एंड अनदर इज द बैक सब्स्टिट्यूशन, मीन्स जब आपका ट्रायंगुलराइजेशन कम्प्लीट हो जाता है फिर आपको बैक सब्स्टिट्यूशन में भी एंटर करना पड़ेगा. ट्रायंगुलराइजेशन में मींस यहाँ पे हमारे पास थ्री इक्वेशंस मैट्रिक्स में दी हुई हैं, आप न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, तो हमें वन बाय वन एलिमिनेट करना है एलिमेंट को, और एलिमिनेशन में हम ट्रायंगुलराइजेशन में पहुँच जाएंगे. और जैसे पहुँचेंगे तो हमारे पास एक वैल्यूज का एंट्री सेट आ जाएगा, आप ऐसे भी ट्राइंगल बना सकते हो. सो एज पर द ट्राइंगल व्हेन वी विल एंटर इनटू द एल्गोरिथम, फर्स्ट लूप आनी है हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू. अगर तीन इक्वेशंस हैं तो ऑटोमेटिकली है कि एन थ्री आएगा, फोर होंगी तो टोटल एन फोर आएगा, फाइव होंगी तो फाइव आएगा. तो पहले हम दो लूप्स क्यों ले रहे हैं, द थिंग इज कि सबसे पहले एलिमेंट रीड करने हैं मैट्रिक्स के, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है एक ऐसी, तो हमें एलिमेंट्स तो रीड करने पड़ेंगे ना उसके, ऐसे ही दो और क्वेश्चन हैं. तो हर मैट्रिक्स का देखो एलिमेंट है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, एंड दिस इज द इक्वालिटी पार्ट. एंड आगे अगर हम चलते हैं तो लाइक टू एक्स टू प्लस फोर एक्स टू एंड फाइव एक्स थ्री इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव इफ इट इज, तो दैट इज द ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री. सो हमें दो लूप्स लेनी पड़ती हैं क्योंकि शफलिंग होनी है दोनों में. फॉर आई इज इक्वल्स टू वन टू एन मीन्स कि वन से लेके हमें थ्री इक्वेशन है तो थ्री तक चलना है बाय वन डू, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. ये एंटर करेगा इस पर और ये एलिमेंट रीड करेगा, जे इज इक्वल्स टू वन टू एन प्लस वन, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा. इसने एलिमेंट रीड किया फर्स्ट टू, इसके अंदर गया वन, तो एन प्लस वन वन हो गया, तो ए वन टू हो गया ना, ए वन टू हुआ तो एलिमेंट आ गया थ्री, ए वन थ्री हुआ. अब थ्री देखो ए वन ही था, ये वन ही है, ध्यान से देखो ए होता है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री. अकॉर्डिंग टू द लूप आई ने क्या बोला, वन एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट लेना है. तो जे ने क्या बोला, जे इज इक्वल्स टू वन, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फाइन. इस पे क्या है टू. उसके बाद जे ने क्या बोला कि तब तक लूप से बाहर नहीं आना जब तक कि फर्स्ट का एलिमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, मीन्स हम लास्ट एलिमेंट पे बाहर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सबसे पहले एरे क्या करता है मेमोरी में एंट्री देने के लिए किसी लूप को, वो पहले रीड करता है एलिमेंट, सो रिट्रीविंग करता है. अब एन प्लस वन क्यों हो रहा है, क्योंकि ए तो वापस इस लूप में तब तक नहीं जाना उसने, देखिए इस लूप में तब तक एंटर नहीं करेगा जब तक वो इसका पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं कर लेता. तो अभी हम इसके अंदर हैं, तो वन तो हमारे पास है ही है पहले से, वन तो चल ही रहा है, लेकिन जे में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रही है विद द एन प्लस वन, तो एन प्लस वन हो गया टू, तो हम आ गए ए वन टू वाले एलिमेंट पे थ्री पे, ए वन थ्री आ गया. अब
टू में इंक्रीमेंट हुई प्लस वन, तो 1 3 आ गया, तो हम 1 3 वाले एलिमेंट पे आ गए, तो ऑटोमेटिकली हमारे 3 वाले एलिमेंट रीड हो गए और आगे चले तो ये A1424 भी रीड हो गया। अब सब जब ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली फोर लूप पे एंटर कर जाएगा और आई इक्वल्स टू 2 आएगा क्योंकि इंक्रीमेंट में ऑलरेडी 1 उसको मिल चुका था, टू एन वाई वन टू, तो 2 पे आ गया। अब 2 की एंट्री भी ऐसी होगी सेम एज दैट जैसे हमने की है, सो 1 बाय 1 इस तरह से एलिमेंट रीड होने के बाद ये लूप एंड हो जाएगी। अब एलिमेंट रीड हो गए हैं, एरे के पास चले गए हैं, अब हम एलिमिनेशन के प्रोसीजर पे आएंगे एंड व्हेन यू विल एंटर इनटू द प्रोसीजर, तो ये लूप अब आगे की तरफ चलेगी क्योंकि 1 बाय 1 एलिमेंट अब डिलीट होने हैं। डिलीशन में जब एलिमेंट होंगे तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट अब चलोगे n-1 बाय 1 2, मीन्स कि एक पीछे चलना है, इसको इसमें से माइनस करना है ना टोटल में से, टोटल रो है अब हमारी 1 2 और 3 अगर हम लेकर चल रहे हैं तो मीन्स 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हुआ 2, तो हमें फर्स्ट वाले को सेकंड में से माइनस करना है। माइनस करने के बाद ऑटोमेटिकली हमें क्या करना है कि i equals to k plus 1, मीन्स 1 प्लस 1 आगे की तरफ चलेंगे, डिलीशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आप जब ये एल्गोरिथम करोगे तो आपको ध्यान से वीडियो देखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल पार्ट की, क्योंकि उसमें डिलीशन सिखाई गई है कि एक्चुअल कैसे होनी है। अब k प्लस 1 में एंटर करेगा क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है और लास्ट तक जाना है, इसको इसमें से माइनस करना है ना, जब इसके पहले इसको इसके फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करना है फिर इसको माइनस करना है, तो ये हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आई के और के के मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट a11 डिवाइडेड बाय a22, तो ऑटोमेटिकली डिलीशन स्टार्ट हो जाएगी दोनों में से और 1 बाय 1 एलिमेंट डिलीट होते जाएंगे और लूप कंप्लीट हो जाएगी इसकी। टेम्प्रेरी वैल्यूज इसमें सेट होती जाएंगी 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू द सम, आप देखोगे तो टेम्प्रेरी इक्वेशंस एवरी टाइम चेंज हो रही है व्हेन वी विल एंटर इनटू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो एलिमेंट्स हमें इसमें से मिलेंगे हम ऑटोमेटिकली इसमें डाल देंगे और हमें एलिमेंट की एंट्रीज लास्ट तक टेम्प्रेरी की मिल जाएंगी। और जब आप देखो सब में कि जब हमें सारी इक्वेशंस टेम्प्रेरी मिल जाती हैं तो उस टाइम पे वो एक प्रोसेस ख़त्म कर चुका होता है, वो होता है एलिमिनेशन का। तो अब हम एंटर करते हैं फिर बैक सब्स्टिट्यूशन पे। अब बैक सब्स्टिट्यूशन पे जब एंटर करना है तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट हमें मिल चुके होते हैं लूप में से। लूप में से जब एलिमेंट मिलते हैं तो होता क्या है कि जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट रो थी, फॉर एग्जांपल हमारी लास्ट रो थी a 3 3, तो उसमें हमें अगर वैल्यू मिली हुई है ये वाली, तो इसमें 2 एलिमेंट्स बचे हुए हैं अगर, तो ऑटोमेटिकली हम इसमें पुट करेंगे एलिमेंट जब, तो इसमें भी इसका a 3 3 बचा होगा, ये वाला डिलीट हो चुका होगा और ये बचा होगा। अब देखो, अब इसमें आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू निकल जाएगी, जब इसकी निकलेगी तो फर्स्ट वाले की अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी। तो होता क्या है देखो, सबसे पहले सेट करनी है वैल्यूज़ तो ऑलरेडी वो रिट्रीव कर चुका था, तो डिवाइडेड बाय ann करते जाओगे, मीन्स एलिमेंट में एंटर होते जाओगे, 1 2 में एंटर हुए हम, 2 1 में एंटर हुए, जैसे 3 3 से हम इसमें एंटर हुए हैं पिछली में, तो क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस करना है, उसमें प्लस कर रहे थे क्योंकि उसमें आगे की तरफ आ रहे थे, इसमें पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो सम 0 ही रखना है फिलहाल क्योंकि हमें कुछ ऐड नहीं करना, लेकिन i+1 में n ऐड करते जाना है और एक बार में एलिमेंट 0 जैसे हमने लिया था तो aij में, जैसे इसकी वैल्यू aij 3 3 भी हमने स्टार्टिंग में लिया तो 3 हुई ना, तो मल्टीप्लाई किसी के साथ हो ही नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट ही एलिमेंट है जब हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, इस तरह से ये अब वैल्यूज़ मिल जाएंगी इसमें इसको, तो फिर इसके बाद ये 1 बाय 1 इसमें सम्स निकाल के आपकी वैल्यूज़ निकल जाएंगी a 3 3 की, a 2 2 की और a 1 1 की। हमारा बैक सब्स्टिट्यूशन भी कम्प्लीट हो जाएगा और हमारा जो प्रोसेस था वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। काइंडली आपकी वीडियो इसके पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में डाली गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो उस वीडियो का सम पहले सॉल्व करके आप अपनी किसी भी एक्सरसाइज कॉपी पे उसको सामने रख के अगर इस एल्गोरिथम को चलाओगे तो 100% आपको ये वैल्यूज शफलिंग में मिल जाएगी। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन काइंडली कमेंट इन टू द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।